नमस्कार। पूरी दुनिया की नजरें भले ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले पर टिकी हुई हो, लेकिन भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे की भी चर्चा कम नहीं हो रही है। क्योंकि एक तरफ जहां भारत की सीनियर टीम इंग्लैंड दौरे पर होगी, तो वहीं भारत की जूनियर टीम श्रीलंका दौरे पर होगी। एक तरफ जहां भारत की सीनियर टीम इंग्लैंड को उसी के घर में कड़ी टक्कर दे रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की युवा टीम श्रीलंका में जीत का रास्ता तैयार कर रही होगी। मतलब एक समय में दो भारतीय टीमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टीमों के साथ मुकाबला खेल रही होंगी। वैसे बता दें आपको, कोरोना के कारण श्रीलंका दौरे पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि भारत का श्रीलंका दौरा होगा और भारतीय टीम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में श्रीलंका में खेलेगी। भारत के श्रीलंका दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा, जिसका पहला मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि दूसरा 16 और तीसरा 18 जुलाई को होगा। इसके बाद टीम इंडिया श्रीलंका के साथ T20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 21 जुलाई को होगा। तो वहीं सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जुलाई और तीसरा T20 मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं BCCI के एक अधिकारी ने ANI के साथ बातचीत करते हुए बताया, श्रीलंका दौरे पर राहुल द्रविड़ टीम के कोच की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। रवि शास्त्री, भरत अरुण और विक्रम राठौर भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हैं और यही वजह है कि द्रविड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल द्रविड़ इससे पहले भी भारतीय टीम के कोच की भूमिका निभा चुके हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी कोचिंग में भारत को अंडर 19 विश्व कप का खिताब जिताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को कई होनहार खिलाड़ी तराश कर दिए हैं, जिसमें ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हैं। दूसरा मौका ये होगा जब भारतीय टीम द्रविड़ की कोचिंग में खेलेगी। इस दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जिसमें पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। शिखर धवन और भुवी का अनुभव भी श्रीलंकाई दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम को मिल सकेगा।